नमस्कार, आज मिठुन दा का बर्थडे है, मेरे फेवरेट सुपरस्टार, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग इन फिल्म इंडस्ट्री। मैं उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाता हूँ आपको, जो मेरी पर्सनल लाइफ के किस्से हैं। मैं जब महेश भट्ट जी का असिस्टेंट था और हम लोग तड़ीपार नाम की एक फिल्म कर रहे थे, तो चूंकि मैं सीन रीडिंग और डायलॉग रीडिंग में जाता था, तो मुझे महेश भट्ट जी ने कहा कि जाओ मिठुन दा को सीन पढ़ के सुनाओ, उनको याद कराओ लाइन्स। 2.5 पेज का सीन था, वो तड़ीपार एक क्रिमिनल प्ले कर रहे थे और टीकू तलसानिया जो हैं वो पुलिस स्टेशन में जेलर होते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन में जो मेन TI होते हैं, और वो मिठुन दा उनको रिपोर्ट करने आते हैं कि मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो मैं उनके रूम में गया मिठुन दा के, मेला दादा ये सीन बोले चल पढ़ के सुना। मैं बंगाली, क्या हिंदी पढ़ेगा, चल पढ़ के सुना। अच्छा, उनकी आदत क्या थी, वो बाल को ऐसे ऐसे करते थे, राइट हैंड से लेफ्ट साइड में करते थे, लेफ्ट हैंड से राइट साइड में करते थे, और मुझको बुलाते थे ए विवेक, विवेक नहीं बोलते थे, ए विवेक। तो मैंने वो सीन पढ़ना शुरू किया, मैंने पूरा पढ़ा, बड़ी केयरफुली सुनते रहे, ऐसे बाल से प्ले करते रहे, ऐसे सुनते रहे। बोले चल ठीक है, मैंने दादा सीन रख दूँ, बोला चल चल जा सेट पे जा। मैं सेट पे गया, भट्ट साहब ने बोला याद करा दिया सीन आपने, मैंने जी मैंने करा दिया। मैं डर रहा था, मुझे लगा एक दो वर्ड इधर उधर हो गए तो मेरी नौकरी गई। मिठुन दा आए सेट पर, मिठुन दा ने एक फंबल नहीं मारा, एक वर्ड नहीं भूले, पूरा का पूरा 2.5 पेज का सीन 1 टेक में। दैट इज मिठुन चक्रवर्ती। क्या मेमोरी पावर, क्या अटेंशन पावर, क्या लिसनर, क्या जबान पे कंट्रोल। मैं हैरान रह गया, मैं उनके पास गया, मैंने मिठुन दा थैंक यू, आपने मेरी इज्जत बचा ली। चल ऐसे मस्ती करते थे वो। अच्छा, मैं उनकी आवाज़ बनाता था, मैं उनकी एक्टिंग करता रहता था। तो एक बार कमालिस्तान में हम लोग शूट कर रहे थे और सब असिस्टेंट से मुझको बोला कि चल चल बता बता मिठुन दा का वो गुलामी वाला, बता उसका बता। तो मैं ऐसा कर रहा था, इन लोगों ने क्या किया था, मिठुन दा को पहले से मेरे पीछे लाके खड़ा कर दिया था, जो मुझे पता नहीं था, और मैं एक्टिंग करता रहा, कोई शॉक और ये सब करता रहा। पीछे से वो आया, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ डाला, बोले अच्छा, और मेरी जान सूख गई। और इतना हंसे, इतनी मस्ती की उस रात को हम लोगों ने, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं जब एज एन असिस्टेंट मैं बैंड्रा से ट्रेन पकड़ता था, मैं किंग सर्कल मतलब एंटॉप हिल्स में रहता था, एंटॉप हिल्स से मैं बैंड्रा आता था, बैंड्रा से मैं कमालिस्तान या जहाँ भी जाना होता था, मिठुन दा कई बार बैंड्रा स्टेशन से मुझे अपनी मेकअप वैन में पिकअप करने आते थे। कोई बड़ा सुपरस्टार ऐसा नहीं करेगा। मैं उस बात को आज तक याद रखता हूँ कि विनम्रता, हम्बल, ह्यूमिलिटी मिठुन दा से कोई सीखे। अब इसके बाद जम कट, मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बुद्धम शरणम गच्छामी डिज़ाइन करना शुरू किया। इसकी कास्ट बहुत बड़ी, पहले मैंने इसमें शाहरुख को अप्रोच किया था, शाहरुख, मिठुन दा और बच्चन साहब और ऐश्वर्या, ये 4 कास्ट होने वाले थे। ऐश्वर्या के अलावा मैंने सबसे बात कर रखी थी। तो जब मैं, खैर उसके बाद शाहरुख ऑप्ट आउट हुआ फिल्म से, फिर मैं चियान विक्रम सर को लेकर आया। चियान विक्रम सर आए तो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ा नहीं, और अभी तक हम इंतज़ार में हैं कि कब स्टार्ट होगा। तो जब मैं मिठुन दा को मैंने अप्रोच किया और मैंने उनको फ़ोन किया कि दादा, तो वो मुझे पहचान गए, बोले अरे मेरी वाइफ को तेरी फिल्म भूतनाथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने दादा मैं ये फिल्म के लिए मिलना चाहता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामी के लिए। हाँ बताइए हमको कहाँ आना है। मैंने नहीं आप नहीं आएंगे, मैं आऊँगा। नहीं नहीं, डायरेक्टर इज़ द बॉस, आप जहाँ बोलोगे हम आएंगे। ये चीज़ आज की जनरेशन को सीखना चाहिए कि डायरेक्टर इज़ द बॉस, कैप्टन ऑफ द शिप। इतना बड़ा सुपरस्टार जो पिछले 30-35-40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, वो मेरे पास आने को तैयार है, वो बोल रहा कि आप मत आइए, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने बोला नहीं दादा, आप जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। तो बोले अच्छा, मठ के बंगले में मिलते हैं, आप एक काम करना, आप सिर्फ JT क्रॉस करके आप मठ साइड में आ जाओ, मेरी गाड़ी आएगी। बाकायदा उनकी मर्सिडीज़ मुझको लेने आई, छोड़ने गई, मैं नरेशन के लिए गया। उन्होंने अपने परिवार से मिलाया, अपने बेटे बच्चों से मिलाया। अब बुद्धम शरणम गच्छामी का नरेशन शुरू हुआ। ये बहुत हैवी इंटेंस फिल्म है, इसमें डायलॉग बाजी से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर बहुत सारी चीज़ें, तो करीब 1.5 घंटे का नरेशन चला। इस फिल्म के नरेशन के बाद मैं हमेशा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, पसीना निकलने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर से एनर्जी निकल गई। तो वैसे सुनते रहे बैठ के, ऐसे देखते रहे, सुनते रहे सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। 2 कप चाय मंगाई, ज़्यादा शक्कर के साथ, बिस्किट के साथ 2 कप। जब तक मैंने चाय नहीं पी, तब सिगरेट जलाया और सिगरेट पीते रहे। और फिर मेरे को बोले विवेक, ये फिल्म नहीं है, वोल्केनो है, वोल्केनो ज्वालामुखी है, ये खतरनाक कल्ट बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली फिल्म। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक नरेशन में उनको पूरी फिल्म याद थी, उनको एक एक डायलॉग याद थे। उन्होंने मुझे सीन इनेक्ट करके दिखाना शुरू कर दिया, और मेरे को गूज़बम्स आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई कुड सी द फिल्म। मुझे पता है जब बच्चन साहब मिठुन दा आमने सामने आएंगे तो क्या होगा पर्दे पर। खैर, एक सिनेमा का अपना भाग्य होता है, बनेगी जब भी बनेगी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और हिंदुस्तानी सिनेमा छाती ठोक कर बोलेगा कि हमने बनाई ये फिल्म, इतना गज़ब का उसका प्लॉट है, इतनी गज़ब की वो स्क्रिप्ट है। मगर मिठुन दा से मिलने के बाद मेरे अंदर और आत्मविश्वास आ गया मेरी फिल्म को लेकर।
और उन्होंने एक एक चीज, एक एक डायलॉग, अच्छा अपने रोल के लिए भी नहीं, वो दूसरे रोल समय जब शाहरुख सुपारी किलर प्ले करने वाला था उस रोल के लिए भी उन्होंने पंच लाइन्स बताई कि इसको ऐसा नहीं कर, इसको ऐसा कर, इसको ये ऐसा आना चाहिए, ऐसा ये उठेगा, वो उठ के उन्होंने सीन स्टेज करना शुरू किया। मैं आत्म विभोर हो गया, मैं गदगद हो गया, मेरे को लगा कि लोग सुपरस्टार ऐसे नहीं बनते, कुछ ना कुछ उनके अंदर एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट होता है जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। मिठुन दा, हैप्पी बर्थडे टू यू, भगवान आपकी आयु बहुत लंबी करे, आप बहुत स्वस्थ रहें और आप बहुत काम करें। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आपके साथ एक नहीं बहुत सारी फिल्में करूं, एज एन असिस्टेंट मैंने 2-3 फिल्में की हैं, मगर एज ए फिल्म मेकर मैं आपके साथ फिल्म करना चाहता हूं और मैं ज़रूर करूंगा। 16th June 2021, हैप्पी बर्थडे मिठुन दा, लव यू सो मच, चीयर्स।